नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 1553 नए मामले, 36 लोगों की मौत। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं मजदूर, कैसे लड़ी छत्तीसगढ़ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 17,265 पहुंच गई है, जिनमें से 543 लोगों की मौत हो चुकी है, 2,547 लोगों को भी स्वस्थ किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों की संख्या 14,175 है। पिछले 24 घंटों में यानी 19 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 20 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हो गई है। 316 लोगों को स्वस्थ भी किया जा चुका है और 1201 नए सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। अगर हम रात भर यानी 19 अप्रैल शाम 5 बजे से लेकर आज 20 अप्रैल सुबह 8 बजे तक की बात करें तो 1553 मामलों में से 1449 नए मामले रात भर में आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19 अप्रैल रात 9 बजे तक कुल 401,586 सैंपल की जाँच की जा चुकी थी, जिनमें से 27,824 सैंपल की जाँच बीते दिन की गई है। देश में बीते दिनों 1553 नए मामले सामने आए हैं, जिसके 88% यानी 1376 मामले 6 राज्यों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु शामिल हैं। महाराष्ट्र से 552 मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 4203 हो गई है। गुजरात से 367 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1743 हो गई है। राजस्थान से 127 मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1468 हो गई है, 78 हो गई है, माफ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से 115 मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1084 हो गई है। दिल्ली से 110 मामले आए हैं और कुल संख्या 2003 हो गई है। तमिलनाडु से 105 मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1477 हो गई है। साथ ही आंध्र प्रदेश से 43 मामले, तेलंगाना से 35, पश्चिम बंगाल से 29, पंजाब से 17, जम्मू कश्मीर से 9, हरियाणा झारखंड से 8-8, बिहार उड़ीसा से 7-7, कर्नाटक से 6, चंडीगढ़ से 3, केरल उत्तराखंड में 2-2 नए मामले तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 और मामला सामने आया है। साथ ही देश में 13 राज्य ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, लद्दाख, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। ये थे आज के कोविड अपडेट्स। लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद स्थान स्थान पर घर लौटने के लिए व्याकुल प्रवासी मजदूरों के विशाल समूहों को सड़कों पर देखा जा रहा है। अब तक विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा था कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के प्रथम चरण में भारत के लाखों प्रवासी श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा गया और यह जल्दबाजी में लिए गए फैसले का नतीजा था। आइए देखते हैं परंजय गुहा ठाकुरता और न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जो दर्शाती है कि दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों में अभी भी ये मजदूर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। The crowded and cacophonic streets of India's millennium city Gurgaon, now called Gurugram, are empty. A passing vehicle occasionally breaks the silence at noon. The class divide was always apparent here. Fancy malls and skyscrapers barely hid hutments of daily wage workers and domestic helpers who had left their rural homes to eke a survival in one of the world's fastest growing urban agglomerations. Hum ha Chittorgarh ki Jangir Chapa Chhattisgarh ki hamara Malda jila Panna jila Madh Pradesh ki sir Bihar ka rehne wala Madhubani jila Hami sir West Bengal Malda town tehsil hamare Malda town district. Some want to go back home once buses and trains start running. Others are not sure, for there are no job opportunities in the villages they left for the mean megapolis. What unites them
is the uncertainty about where their next meal would come from. मंजूरी करते थे देरी करते थे क्या करते हो भैया खाने के लिए नहीं आते चावल भैया काम बंद है गाड़ी वाहन बंद है हम लोग पूरा तरह मजदूर हैं और अभी काम बंद है इसीलिए हमारा रोजगार भी बंद हो गया इसीलिए हमको खाने के लिए कभी कभी मिलते हैं नहीं तो नहीं मिलते हैं हमें तो सर स्कूले काज करता हूँ लॉकडाउन पर तो आर पैसा कौड़ी पा जाए से हमारे बाड़ी एक मुश्किल चलते खावा दावा यही आशा करे आज की कमी पा ना पा हमारा काम यो है पहले तो था हम लोहार हाँ मटके उठ के बेचते हैं अब तो पहले तो हम ऐसी सामान बनाया करते चिमटा कुकड़ी वगैरह तो अब हमने मटके का दुकान लगा रखा है रोड के ऊपर अब हमारा धंधा बंद हो गया है पहले तो मोल राशन खाया था झूठ नहीं बोलेंगे अब थोड़ा बहुत कोई दे जावे तब खा लेते हैं सर ड्राइवरी कर दो मेरे पास 2-3 हज़ार रुपया था उसे राशन पर चल रहा है ना खाने को तो मिल ही नहीं रहा जो भी था तो कम जो राशन पानी दिया है उसी से थोड़ा बहुत काम हुआ है एक दिन राशन पानी दिए उसके बाद नहीं दिए परसों से बैठ रहा हूँ कोई जैसे रास्ते में कोई ऐसे आटा लगे तो भैया कोई चावल लगे तो कोई बनू लगे तो कोई कच्चा लगे तो ऐसे बच्चे खिलाते हैं जाकर लॉकडाउन पर यदि काम काम रोजगार ना हो हमारे तो हमारे देश फिर जाते हो तनख्वाह तो पूरा नहीं मिला जी एक बार 4 हज़ार मिले एक बार 6 हज़ार मिले अभी भी बाकी है जी बोलता अभी पैसा नहीं आया अगर यहाँ पर खुल जाता है 2-4 दिन में तो फिर यही तो काम करना पड़ेगा जी हम तो यहाँ वो गांव छोड़ के दिया आया प्रदेश में काम करने के लिए आया जी बारी जावार तो चेष्टा आगे करी नहीं जो लॉकडाउन छिलो बोल छिलो 15 तारीख ट्रेन खुलबे তার জন্য আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আবার ফের দুবারা লকডাউন লেগে গেছে তো কি করে যাব আমরা ঘর কাই মে জান দে ভাইয়া পয়সা নেই হ্যাঁ গাড়ি বান বান নেই কাই মে জান দে হ্যাঁ মিল जाएगा তো স্যার চলে যাবেন না কিরায়া ভরা নেই স্যার ট্রেন চালু হোগা তো মালিক বলেগা যাও বলকে তো যাएंगे আর সরকার যদি এরকম যাওয়ার সুবিধা দেয় এত অবস্থাতে খারাপে আমরা তো নিশ্চয় যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ গ্রামে গিয়ে কি বেটার হবে তোমার মনে হয় গ্রামে তো স্যার দেখেন আমরা রোজ রোটি হয়ে দেশে কামে খেতিবাড়ি করি আমাদের আনাজ আসে অতএব আমাদের গুজারা হয়ে যায় এখন দেখছি দেশের পবিত্র না ভালো দিল্লি পবিত্র ভালো নয় তাহলে দেশে ফিরে যেতে হবে বাচ্চা কাচ্চা কষ্ট করা তো ঠিক হবে না Contrary to what toxic television channels propagate, people who subscribe to different religious faiths and come from different parts of the country coexist in these slums, united by their struggle for survival. Social distancing is meaningless for those who live here. We were told that policemen stopped social workers from distributing food because people were crowding around. এখানে তো খাবার আসেনি তিন দিন এসেছিল রুটি তারপরে এখানে পুলিশ এসেছিল পুলিশ মানা করেছে আর আসেনি বলতে পারছি না পুলিশ বলছে ওদেরকে যে এখানে যদি কিছু হয় রুটি খেয়ে তো তোমাদেরকে জিম্মেদারি নিতে হবে তার জন্য ওরা আর আসেনি टीम है मोदी जी ने बता रहे कि सबको महीना मिलेंगे मिलेंगे मगर यहाँ का मैडम लोग तो सुनता नहीं यहाँ का साहब लोग तो कोई सुनता नहीं ना हमने बोल लो चो ये कुछ तारीख के जो लागे लॉकडाउन আমরা কই 14-15-20 দিনের মধ্যে তার কোনো ব্যাপার না একটা মাস বসে খেলে চলে যাবে আর এখন তো দেখছি অবস্থা খারাপ সামনে বাড়াতে আছে সামনে বাড়াতে 21 তারিখ আবার 3 তারিখ আবার যে সামনে ডিসিশন হবে না আর কোনো মানে নাই আহত তো পারে তার চেষ্টা করছি যদি এরকম হয় তো আমাদের ছেলেপেলেরা খাবে কী করে তার তো আমরা উম্মিদ করবো যে আমাদের একটু ভালো সাহায্য করা হোক The poor in Gurugram have always lived precariously at the mercy of the rich. Their future has become even more uncertain as the lockdown continues. News Click के साथ विशेष बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहर में रहने वालों में से सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन आदिवासी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तारीफ की जा रही है कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की आइए सुनते हैं उनके इस वार्तालाप के कुछ अंश हमारे यहाँ कोरोना के केस कम पाए गए हैं ये बात बिल्कुल सही है आपको पता ही है कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन के से चलते हुए यूरोप और अरेबियन कंट्री होते हुए अमेरिका होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा है इसका अर्थ सीधा सा है कि ये बीमारी ये वायरस हमारे हिंदुस्तान का नहीं है विदेश से आया हुआ है और विदेश जितने भी लोग यात्रा किए हैं उन्हीं के माध्यम से ये पहुंचा है तो हमारे यहाँ जितने भी विदेश यात्रा करके गए थे और छत्तीसगढ़ में लगभग 1 मार्च से जितने यात्रा किए थे उसके हम लोगों ने डिटेल निकाला वो 2100 करीब थे
सबको हमने आइडेंटिफाई किया और सबको क्वारंटाइन कर दिया। जिसमें पहला लक्षण पाया गया वो है 15 तारीख को हमने उसका टेस्ट किया और 18 तारीख रिपोर्ट आई। और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमने 144 धारा लगा दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया, कड़ाई से पालन किया, क्योंकि बचाव से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने उसमें ज्यादा जोर दिया और जितने भी थे उसको होम आइसोलेशन में क्वारंटाइन में रखा। गवर्नमेंट के भी हमने व्यवस्था की और निजी तौर पे और घर में भी सबकी सूचना दे दी आस पड़ोस में। इस कारण से हमारे यहाँ फैलाव नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात जो टेस्टिंग की बात करें, अच्छा टेस्टिंग की बात जो आप कर रहे हैं, मुख्य बात जो आप कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि टेस्टिंग किट और पीपीई ये भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। बीच में जैसे कमी पड़ी तो उसके बाद हमने भारत सरकार से बात की और उन्होंने स्पेशल प्लान करके उसको हमारे पास भेजा। लेकिन भारत सरकार की ही गाइडलाइन था जिसमें लक्षण दिखाई दे उसी की जांच करना है, जिसको बुखार आ रहे हो, जिसको खांसी हो रही है, जिसको सर्दी है, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये जब पूरे लक्षण दिखाई दे तब जांच करना है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत में इसे रोक लिया था और सबको होम क्वारंटाइन में रखा था और इसके कारण से जिसके लक्षण नहीं थे उनकी भी जांच हम लोग कराए। जो शुरुआत में जो 5 मिले उसमें से एक तो अरेबियन कंट्रीज आए थे और 4 जो है वो यूके से मिले। तो हमने जो यूके से जो आए उसको सबसे पहले सबका हमने टेस्ट करा दिया, हमारे पास उसमें उपलब्ध थे। तो उसमें से जिनके कोई लक्षण नहीं पाए गए थे उनमें उनको भी कोरोना पॉजिटिव मिला। और ये बात हमने भारत सरकार को सूचना दी जो 2 महीने पहले आए हैं। आप 14 दिन कहते हैं, 2 महीने पहले आए हैं और उसको कोई लक्षण नहीं, उसके बाद भी ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद ये 28 दिन बढ़ाया गया, लेकिन किट भारत सरकार उपलब्ध करा रही थी और उसी के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने डिमांड की कि इससे किट और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जांच अधिक किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा बार बार जो किट की खरीदी के जो नियम है उसमें बार बार बदलाव किए जा रहे थे। राज्य सरकार उस नियमों के हिसाब से टेंडर नहीं कर पा रही थी। अब जाके टेंडर वगैरह हुआ है तो हम राज्य सरकार से हम लोग खुद भी खरीदना शुरू किए। बहुत सारे दानदाता हैं, उन्होंने भी दान दिया है और हम लोग भी खरीद रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब सैंपल हम ज्यादा से ज्यादा ले सके। भूपेश जी, जो आपके राज्य में लगभग 34% जो आपका जनसंख्या है वो आदिवासी लोग, बहुत लोग हैं जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उनके लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द या दो शब्द, इसका मतलब क्या है? आप एक दूसरे से दूर रहेंगे 1 मीटर, और ये प्रशासन कैसे इसको लागू करेंगे, कैसे एनफोर्स करेंगे कि आप एक दूसरे से दूर रहिए? मैं तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा जोर मैंने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग में फिर एक गलत भावना लोगों के मन में बढ़ेगी कि ये अलग समाज का है, ये मजदूर वर्ग का है, कि ये सफाई कर्मचारी है, इस प्रकार से बातें आएगी और उसके सोशल डिस्टेंसिंग में दूसरे प्रकार की भावना ना पनपे। इसलिए हमने इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दिया, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे अपने समाज के हों, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो आदिवासी हमारे यहाँ 32% रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो लोग किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, तो मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शहर के लोगों पे मुझे बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि उतना बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, छत्तीसगढ़ में सभी लोग शांतिपूर्वक हम लोग जो भी आग्रह किए, निर्देश दिए, सबका पालन हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार किए, लोगों तक ये बात पहुंची और इतना जबरदस्त लॉकडाउन किए हैं वो लोग अपने गांव में जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। न्यूज़क्लिक की डेली राउंडअप में आज के लिए बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट newsclick.in
और हिंदी न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट hindi.newsclick.in पर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।